आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। देवघर सहित मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे प्रतिबंधित अवैध लॉटरी मामले में देवघर पुलिस कप्तान अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया, जिस प्रकार देवघर पुलिस द्वारा साइबर अपराध के खिलाफ मुहिम चलाकर बड़े पैमाने पर साइबर अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, उसी तरह जिले में अवैध कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही अन्य राज्यों से लाकर देवघर जिले में प्रतिबंधित अवैध लॉटरी के कारोबार करने वाले कारोबारी कारोबार पर अंकुश लगाया जाएगा। इसमें संलिप्त सरगना सहित अन्य लोगों को धरपकड़ कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। साइबर क्राइम अपने आप में क्राइम है, अपराध है। पहले तो ये समझाने की आवश्यकता थी देवघर जिले में। कोशिश मैंने किया है लगातार अभियान के द्वारा और लोगों से सीधा संवाद करके बताने की कोशिश की है कि यह चोरी, लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या के श्रेणी का यह भी एक अपराध है और इससे बचने की आवश्यकता, इसको छूट देने की आवश्यकता, या आपका ऑक्यूपेशन के तौर पर, धंधा के तौर पर नहीं हो सकता है। पिछले 5 महीने में लगातार छापामारी में लगभग 450 साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, करीब 25 लाख रुपये और 2 दर्जन से अधिक वाहन पकड़े गए हैं। इसी प्रकार से लैपटॉप, स्वाइप मशीन और मोबाइल, सिम, पासबुक, ये सब बरामद हुए हैं। आपने जैसे बताया कि लॉटरी का भी यहाँ पे धंधा चल रहा है, अभी जैसा आप लोग इंफॉर्मेशन देते हैं या लोगों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस पर शीघ्र कार्रवाई कराए हैं। और जैसे साइबर क्राइम में हमारे पास लगातार लोगों का पुलिस पर विश्वास रहने के कारण इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग उस पर अभियान के तौर पे कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार अगर अवैध लॉटरी के धंधे चल रहे हों, हमारे पास मोबाइल से या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर मैसेज आ जाएगा तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कोई अवैध कार्य चलता रहे उसको रोकने के लिए हम लोग तत्पर हैं, कटिबद्ध। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।